कैंपस के खाद बीज वितरण केंद्र शाहवाड़ा में एक किसान ने खरगा धान के साथ ही मिलावटी धान मिलने से किसानों में हड़कंप मच गया। इसकी शिकायत किसानों ने लैंपस प्रबंधन से की है और मिली जानकारी के अनुसार कृषक चंदन ने बताया है कि धान बुआई के लिए धान बीज 1,015 पैकेट के लिए परमिट के माध्यम से ऋण लिया गया था। धान एमटीओ 1,001 के खोलने पर धान में करना और मिलावट पाई गई थी, जिसके बाद तत्काल संस्था को सूचित किया गया और उक्त बीज में मिलावट और करगा सही पाए जाने के बाद संपूर्ण लाट बीज को बीज निगम को वापस करने की सलाह दी गई। साथ ही जिन कृषकों को ये धान के बीज वितरित किए गए हैं उन सभी कृषकों से धान के बीज को वापस लेकर अच्छे बीज के वितरण की व्यवस्था की जा रही है। जो लैंप से धान बीज निकाला था वो पूरा खराब है, तो मौके पर हमने बीज निगम के कर्मचारी और बीज निगम को सूचना दी, तो वहाँ से कर्मचारी आकर के देखे, उसको प्रमाणित भी किए कि मिलावट है करके और इसको वापस ले जाने के लिए बीज निगम सहमत हो गए। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में